इन दिनों बुलडोजर पूरी तरह से फॉर्म में है, पूरी अकड़ के साथ तमाम राज्यों में चल रहा है। ये तो बुलडोजर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो इस कदर फेमस हो जाएगा कि शायद कोई सेलिब्रिटी भी ना हो। और बुलडोजर के फेमस होने की कहानी शुरू हुई देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से। यहां से इसके कामयाब होने की कहानी शुरू होती है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और ना जाने कहां कहां जाता है। लेकिन दिल्ली पहुंचकर इस बुलडोजर को नजर लग जाती है और वहां बुलडोजर का मुंह खुलने के बाद तुरंत बंद हो गया। लेकिन जरा रुकिए, ये बुलडोजर अब कहीं और चलने वाला है। जहांगीरपुरी वाला बवाल खत्म नहीं हुआ कि अब शाहीन बाग चर्चा में है। नहीं, इस बार चर्चा सीएनआरसी से जुड़ी नहीं है, बल्कि इस बार नगर निगम ने तैयारी कर ली है शाहीन बाग ओखला समेत कई इलाकों से अतिक्रमण हटाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देखिए, जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चला तो बहुत बवाल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन अगर शाहीन बाग में बुलडोजर चलता है तो हालत और ज्यादा बुरे हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का शाहीन बाग इलाका बेहद संवेदनशील है। 2019 से 20 में यहां खूब बवाल हुआ, शाहीन बाग रोड पूरी तरह से जाम कर दिया गया, लोग सड़कों पर बैठ गए सीएनआरसी के खिलाफ, जिसका असर यह हुआ कि 2020 फरवरी में दंगे भड़क गए और कई लोगों की जान चली गई, माहौल भयावह हो गया। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर यहां बुलडोजर चलता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली फिर से दंगों का दंश झेलती नजर आएगी, या फिर जहांगीरपुरी की तरह शाहीन बाग में भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा। वहां पर लगातार नजर बनी हुई है, प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। आज भी कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, लोग जो वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो कालिंदी कुंज इलाका हो, चाहे वो सरिता विहार का इलाका हो, चाहे वो शाहीन बाग का बाहरी इलाका हो, उन लोगों का कहना है कि हम लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, हम लोग रोहिंग्या नहीं हैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं, हमारे आशियाने को जाड़ने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि आप डरिए मत, हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, और भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। महज क्या ये सिर्फ राजनीति है या वाकई इसके पीछे जो सरकारी जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है उसे हटाना है, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, समझने की कोशिश हम करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन इसी बीच एक और खबर ये सामने आई है, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले 40 गांव, दिल्ली के 40 गांव के नाम जो हैं वो भेज दिए गए थे दिल्ली सरकार को, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो नाम क्यों भेजे गए? क्योंकि उन नामों को बदलना है, क्योंकि मुगलिया नाम दिल्ली में नहीं रहने देंगे। ये सवाल है कि एक तरफ बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ नाम बदलने की बात हो रही है, चाहे वो हिमायूपुर हो, यूसुफ सराय हो, मस्जिद मोड़ हो, बेसराय हो, मसूदपुर हो, जमरूदपुर, बेगमपुर, फतेहपुर बेरी, हौस खास, शेख सराय, और या फिर हो मोहम्मदपुर। नाम तस्वीर तो ये भी सामने आई है कि मोहम्मदपुर के गांव के सामने जो बोर्ड लगा दिया गया है वो माधोपुर का लगा दिया गया है। तो अंदाजा आप लगाइए। अब सवाल ये है कि अगर नाम बदल जाए तो क्या रियायत मिल सकती है, क्या बीजेपी रियायत देगी? यानी अगर आसान शब्दों में मैं कहूं कि अगर नाम बदल देंगे तो क्या वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा, वहां पर जो अवैध अतिक्रमण हटाने की बात लगातार की जा रही है एसजीएमसी द्वारा, वहां पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्योंकि बुलडोजर इन दिनों चर्चा में है, चारों तरफ बुलडोजर से जो अवैध कब्जे हैं वो हटाए जा रहे हैं। देखिए, यूपी में सबसे पहल हुई, सबसे ज्यादा यूपी में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश से सामने आई, राजस्थान से सामने आई है, बिहार से सामने आई है, महाराष्ट्र से सामने आई है, उत्तराखंड से सामने आई है, अब दिल्ली में भी, और वो इलाका शाहीन बाग। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम पर फोकस किया जा रहा है, सिर्फ ऐसे इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ऐसा कह रही है तो एक एग्जाम्पल आज उत्तर प्रदेश से सामने आया है। उत्तर प्रदेश से एग्जाम्पल सामने आया है कि वहां पर आपसी सौहार्द में जो लाउड स्पीकर जिस पर बवाल हो रहा है, बुलडोजर लाउड स्पीकर इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो लाउड स्पीकर आपसी सौहार्द से उतार लिए गए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
तो अगर ऐसा होता तो वो लोग ऐसा क्यों करते, ये भी सवाल है। अब ये इसमें राजनीति है, आपसे कुछ यहाँ पर कुछ दिलचस्पी दिखाई जा रही है या वाकई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें तलाशने की कोशिश हम करेंगे। दरअसल नगर निगम ने तो पूरी तैयारी कर ली है कि अतिक्रमण को हटाया जाए। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में भले ही बुलडोजर खामोश हो गया हो, पर कुछ और इलाके चिन्हित कर लिए गए हैं। जी हाँ, SGMC के मेयर मुकेश सूर्यान ने बताया है कि शाहीनबाग, ओखला समेत कई इलाके और उनमें कालिंदी कुंज भी है और सरिता विहार भी है, मदनपुर खादर भी है, जहां सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली का शाहीन बाग NTCA प्रोटेस्ट के कारण काफी चर्चा में रहा था। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर का कहना है कि विष्णु गार्डन और मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया है, सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा और जहां बिल्डिंग बन गई है उसके लिए भी एक्शन प्लान पूरा तैयार हो गया है। तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही थी कि आज से ही एक्शन शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में सभी अतिक्रमण को हटाकर सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने पिछले दिनों अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में एक मस्जिद के पास कुछ कंक्रीट और अस्थायी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा शालिनी दुआ BJP से है, प्रीतपाल सिंह आम आदमी पार्टी से, आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नेहा शालिनी जी, नाम बदल जाए तो क्या रियायत मिल सकती है? देखिए, नाम बदल जाए उसकी रियायत अतिक्रमण अगर आपने कर रखा है, मैं तो ये कहूंगी जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारने चाहिए। तो यहाँ आप देखिए, कल मैंने ओवैसी साहब का एक भाषण देखा जिसमें वो बोल रहे हैं सारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसका मतलब सारे मुसलमानों ने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पर, अवैध निर्माण कर रखा है। उनका कहने का सीधा साधा यही मतलब है, इसका मतलब हर मुस्लिम ने ऐसे ही कर रखा है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मुस्लिमों के घर तोड़े जा रहे हैं। और किनके घर वैसे एक्चुअल में तोड़े जा रहे हैं? जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है या सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जो दंगाई भी है। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे दंगाई है कि सीएनआरसी का जो आंदोलन हुआ था उसका बदला बीजेपी ले रही है? नहीं नहीं, इसमें बदले की क्या बात है, हम तो चाहते हैं NRC आए। आज बहुत अच्छे वाले जो मुसलमान हैं वो सारे यही चाह रहे हैं कि NRC आए, ताकि ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनकी वजह से जिन्होंने अतिक्रमण भी किया हुआ, और अभी आप देखिए जो अंसार है उसके कहीं ना कहीं तार जो हैं वो बांग्लादेश से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो CBI तो अपनी जांच जो टीम है वो अपनी जांच कर रही है, वो तो जांच का विषय जब निकल के आएगा सब पता लग जाएगा, लेकिन उसके बंगाल और आगे बांग्लादेश यहाँ से तार निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर दिल्ली में उनको राशन कार्ड और आधार कार्ड कौन सी सरकार ने बना के दिया है ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी जो है राज्य सरकार होती है वही किसी भी इलीगल बंदे को आधार कार्ड या राशन कार्ड वही बना के दे सकती है, ये केंद्र के हाथ में नहीं है। प्रीतपाल जी, शालिनी दुआ जी कह रही है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने की जो कोशिश होती है उनमें साथ देती है और उन्हें रखती भी है, उनका आधार कार्ड भी बनाती है, उनका राशन कार्ड भी बनाती है। देखिए, दिल्ली जब से बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा राज किया है। अगर किसी की सरकार हो भारतीय जनता पार्टी करेगी। पिछले 15 साल से MCDP अगर तो काबिज है तो दिल्ली की भाजपा MCD के ऊपर काबिज है, और दिल्ली की कानून व्यवस्था है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसके बाद भी ये रोना रोए कि वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान वहां पे आके रुके हुए हैं। तो ये दुआ जी जो हमारी बहन बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कम से कम शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है उनके साथ और उनके डेडिकेशन के साथ उनके सचिवों के साथ जब जब मीटिंग हुई है या प्रधानमंत्री मिले, उन्होंने इस मामले इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया कि आपके नागरिक। प्रीतपाल जी की आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ कहना चाहूंगी जी। मेरे को ये समझ नहीं आता, शेख हसीना जी से मिलना और यहाँ पर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाना, इससे क्या मतलब क्या है? प्रीतपाल जी, मेरे भाई, पहले मुझे ये बता दीजिए। मैंने आपके बीच में बोला नहीं, मैंने आपके बीच में बोला, अपने समय में बोलिएगा।
मैं अपना नाम फकीर चंद रख लूं, पैसे वाला हूं तो मैं फकीर नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं गरीब हूं अपना नाम अमीर चंद रख लूं तो मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा। मेरे घर पे जो बच्चे हैं, हमारे घर पे जो छत है, उसको रखने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान देंगे, अब लोगों का छत। प्रीतपाल जी की आवाज में कुछ बोल सकती हूँ? वो कट रही थी। क्या शालिनी जी आप बोलिए, और उससे पहले मैं एक बार बताइए, बार बार लोग ये कहते हैं, आप या तो इनकी वॉल्यूम अब स्लो कर दीजिए क्योंकि बार बार मैं बोलने लगती हूँ तो फिर इनकी आवाज आती है। ठीक है, ठीक है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, इनसे सवाल करना चाहती हूँ कि जिन बेचारे गरीबों की बात कर रहे हैं कि वो बेचारे गरीब हैं और उनको ऐसे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, मैं उन गरीबों के लिए आपसे पूछ रही हूँ आम आदमी पार्टी से कि उन गरीबों के पास बंदूकें कहाँ से आई, कहां से बंदूकें आई जो उन्होंने वहां जो हनुमान जयंती पे आराम से जा रहे थे उनके ऊपर पथराव भी किए और गोलियां भी चलाई, ऊपर भी गोलियां चलाई। तो नहीं नहीं पहले सुन तो लीजिए, अच्छे खासे दो सवाल है, इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल दीजिएगा। दूसरा सवाल है मेरा, उन गरीबों के पास गोलियां कहां से आई, मुझे सिर्फ इस बात का आम आदमी पार्टी जवाब दे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे लोगों को और हमारा उसके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। मुझे ये बताइए, अंसार अगर एमसीपी एक्शन कर रही है तो आम आदमी पार्टी को दर्द क्यों हो रही है? बात उन गरीबों के पास बंदूकें कहाँ से आई, उन गरीबों के पास इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये पहले मुझे आम आदमी बता दे। और आम आदमी पार्टी ये भी बता दे कि उनके पास आधार कार्ड कैसे आए। चलिए ठीक है शालिनी जी, एक सवाल आप जवाब दीजिए एक सवाल का, कि ठीक है अतिक्रमण पर, अवैध जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, आप ये कह रही हैं, लेकिन टाइमिंग, इरादे, इन पर सवाल उठ रहा है कि टाइमिंग ये अनोखी क्यों है? बुलडोजर अतिक्रमण कई सालों से हो रखा है, ऐसा नया तो नहीं है। हाँ, तो मतलब कि सालों से जो लोग गलत काम कर रहे थे और सरकार की नजर से या एमसीडी की नजर से छुपे हुए थे, तो मतलब आज पता भी लग गया, सामने दिख भी रहा है, तो भी हम उनका जो इलीगल ढांचा है उसको ना ढाए। मतलब जब तक हमें नहीं दिखा, जब तक एमसीडी में को नहीं दिखा, जवाब तो देने दीजिए मुझे। इन्होंने पहले कहा कि बंदूकें कहाँ से आई, तो दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में आती है? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आती है। अब अमित शाह ये बताएं, भारतीय जनता बीच में बोलने लगी, वाह जी वाह, ताली बजाएंगी आप? आपके कानून व्यवस्था अगर बर्बाद करेंगे दिल्ली की, तो आप ताली बजाएंगी? आप ताली बजाएंगी? और 15 साल तक एनसीडी में किसकी सरकार है? दिल्ली में नगर निगम में किसकी सरकार है? दिल्ली की नगर निगम कौन चला रहा है? भारतीय जनता पार्टी चला रही है। दिल्ली के मेयर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के है। दिल्ली के सभासद कौन है? भारतीय जनता पार्टी के है। तो 15 साल से अतिक्रमण हो रहा था, मेयर कौन हो रहे थे आपके, आपके सभासद, आपके कर्मचारी कौन हो रहे थे? आज 15 साल के बाद आप भूख खाने के बाद मकान बनने दिया, झोपड़ियां बनने दी, बंदूकें आने दी अमित शाह ने, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे बोलने का।
प्रीतपाल जी, ये देखिए शाहीन बाग पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना आम आदमी पार्टी सुन रही है, ना बीजेपी सुन रही है। बात ये हो रही है कि टाइमिंग क्या है, बीजेपी से सवाल ये है कि टाइमिंग क्यों है सर? 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी है, क्यों एक्शन पहले नहीं लिया गया? अब ये जवाब नहीं है, बंदूक कहां से आई? कानून व्यवस्था दिल्ली की खराब क्यों होनी थी? अभी सामने बताइए। एक मिनट, सरकार तो आपकी भी है ना दिल्ली में भाई? दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भी है, बैठी है बहन हमारी, इनके अमित शाह चला रहे, ये बताएं कि बंदूक कहां से आई? नहीं, जब कुछ होता है अतिक्रमण 15 साल तक एमसीडी में आप बैठी हुई है, बाकी जनता पार्टी, ये बताइए अतिक्रमण हुआ कैसे? अतिक्रमण होते हुए आपने देखा क्यों? आपके कौन से कर्मचारी, आपके कौन से सभासद, आपके कौन से मेयर ने पैसा खा के अतिक्रमण होने दिया? 15 साल तक आपने अतिक्रमण होने क्यों दिया? अगर वो हो गया तो किसके कारण हुआ? ये गलती किसकी है? बंदूकी अगर दिल्ली में इधर उधर दौड़ रही है तो कानून व्यवस्था अमित शाह क्या देख पा रहे हैं भाई? अमित शाह की पुलिस क्या कर रही है वहां? अब जवाब दीजिए। शालिनी जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझ तक, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ जी, हाँ, देखिए मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ कि कोई अगर ये पूछे कि आम आदमी पार्टी से कि जहांगीरपुरी में किसका विधायक है, तो क्या विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है? एमसीडी की जिम्मेदारी थी काउंसलर ने वहां नहीं देखा, क्या मतलब अतिक्रमण कर रखा है? एमसीडी को किसी से परमिशन लेके कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाना है, किसी से परमिशन नहीं लेना, इवन हाई कोर्ट से भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये हक आप जैसे झूठे सेक्युलरिस्ट है भारतीय जनता पार्टी का आदेश गुप्ता जी की जेल में सोए हुए जाते हैं। आदेश गुप्ता का मकान का टूट रहा है, आदेश गुप्ता का मकान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के, उनका जो अतिक्रमण कब टूटेगा? एमसीडी अतिक्रमण कब होगी? क्या जवाब दिया? क्योंकि वो सिर्फ बोली जा रहे हैं। आप ये बताइए, आपके सांसद कहाँ है? जहांगीरपुर जो क्षेत्र आता है वहाँ का सांसद कहाँ है? आपका मेयर कहाँ है? आपके पार्षद कहाँ है?
आपका विधायक कहाँ था? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, हमारा विधायक तो सेवा में लगा हुआ है, आपका विधायक वहाँ पे छोले भटूरे बेच रहा था, बंदूक बट रही थी 8 साल से आम आदमी पार्टी को 8 साल हो गए दिल्ली में, दिल्ली में 8 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक जहाँ भीड़ हो रही है छोले भटूरे बेच रहे थे, या आतंकवादी आपके ग्रुप में शामिल थे, या सारे रोहिंग्याओं के रोहिंग्या मुसलमान आप भूख लेने में लगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी खाली भूख लेने में लगी हुई थी, अमित शाह जब बंदूक वहाँ बट रही थी, अमित शाह की पुलिस क्या कर रही थी, आपके सैलरी 15,000 रुपए महीना करते हो और पुजारी को 1 रुपए नहीं देते, पुजारियों की आप 8 रुपए प्रति यूनिट जो है वो बिजली का बिल लगाते हो और मौलवियों को मस्जिद की फ्री में बिजली देते हो, अगर आप तो यही तो भाषण करते हो दिया और उठ रहे हैं आपकी पार्टी से जवाब आपको बनता है, जवाब भारतीय जनता पार्टी को बनता है, आदेश अतिक्रमण भर का अभी देखिए 25 किसानों की जान भी है, जबकि 1 महीना पहले इलेक्शन से पहले इनके अरविंद केजरीवाल कह रहे थे किसी किसान को जान नहीं देनी पड़ेगी जब हमारी पार्टी आती है, 25 दिन के अंदर इतने सारे किसानों को जान नहीं देनी पड़ेगी, आप खुद ही चेक कर लीजिए आपके, अमित शाह जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं है, और शायद जो नहीं कहेंगे तो कर दें तो अलग बात है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा शाहीन बाग पर हम लगातार कर रहे थे, लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी सुनने के लिए तैयार है, ना बीजेपी सुनने के लिए तैयार है, ना तो ये सड़कों पर सुनते हैं, ना ये संसद में सुनते हैं, ना ये टेलीविजन पर सुनते हैं। आखिर अगर आम जनता गुहार लगाए तो किससे लगाए? बस तू तू मैं करवा लीजिए कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तब नहीं हटाया गया कोई भी अवैध अतिक्रमण, लेकिन अब बुलडोजर चलेगा। आम आदमी पार्टी जब उनके बात आती है तो कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन तख्ती लेकर निकल पड़ते हैं हल्ला बोलने के लिए। तो यहाँ पर मेयर ने साफ तौर पर कह दिया है कि विभागों को तारीखें बता दी गई हैं, 1 महीने का पूरा प्लान है, यानी कि 1 महीने का समय है बस। कहा तो ये भी जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ साथ वहाँ अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं, उनमें संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि कार्रवाई से न केवल अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बल्कि अपराध में भी कमी आ सकती है। एमसीडी में भाजपा का दबदबा है और पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता का सीधे सीधे आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के समर्थन से ही घुसपैठिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण किए हुए हैं। बस ये आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। सबसे ज्यादा जो बुलडोजर चल रहा है वो यूपी में चल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा है और ये प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। कोई बुलडोजर चलने से खुश है तो कोई बुलडोजर चलने से नाखुश है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी ऐसा हुआ, लेकिन वहां पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब देखना होगा कि शाहीन बाग में क्या तय तारीखों पर बुलडोजर चलता है या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फरमान यहां आता है। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।